इस चशिंगा ने। નમસ્કાર, તમે બધા મને સાંભળી શકતા હશો એવું હું માની જ લઉં છું. આપણે બધા આજે એવરલાસ્ટિંગ હેપીનેસ, પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ માટે ભેગા થયા છીએ. અને તમને સૌને ખ્યાલ છે કે જે હેપી માણસો હોય છે એ ચોક્કસ સક્સેસફુલ હોય છે, પણ જે સક્સેસફુલ હોય છે એ જરૂરી નથી કે એ હેપી હોય જ. આજે આપણે શરૂઆત કરીશું गुलजार साहब की एक बहुत बड़ी कविता से. सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है, जब मैं छोटा था शायद दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी. मुझे याद है मेरे घर से स्कूल तक का वो रास्ता, क्या क्या नहीं था वहाँ, चाट के ठेले, जलेबी की दुकान, बर्फ के गोले, सब कुछ. अब वहाँ मोबाइल शॉप, वीडियो पार्लर है, फिर भी सब सुना है, शायद दुनिया सिमट रही है. जब मैं छोटा था शायद शामें बहुत लंबी हुआ करती थी. मैं हाथ में पतंग की डोर पकड़े घंटों उड़ा करता था. वो लंबी साइकिल की रेस, वो बचपन के खेल, वो हर शाम थक के चूर हो जाना. अब शाम नहीं होती है, दिन ढलता है और सीधे रात हो जाती है. शायद वक्त सिमट रहा है. जब मैं छोटा था शायद दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी. दिन भर वो हुजूम बनाकर खेलना, वो दोस्तों के घर का खाना, वो अपने प्यार की बातें, वो साथ रोना. अब भी मेरे कई दोस्त हैं पर दोस्ती जाने कहाँ है. जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर मिलते हैं हाय हो जाती है और अपने अपने रास्ते चल देते हैं. होली, दिवाली, जन्मदिन, ईद, नए साल पर बस SMS आ जाते हैं, शायद अब रिश्ते बदल रहे हैं. जब मैं छोटा था तब खेल भी अजीब हुआ करते थे, छप्पन छुपाई, लंगड़ी टांग, पोशंपा, टिम्पी टाप. अब इंटरनेट, ऑफिस, हॉस्पिटल से फुर्सत ही नहीं मिलती, शायद जिंदगी बदल रही है. जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है जो अक्सर कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ होता है, मंजिल तो यही थी बस जिंदगी गुजर गई मेरी यहाँ आते आते. जिंदगी का लम्हा बहुत छोटा सा है, कल की कोई बुनियाद नहीं है और आने वाला कल सिर्फ सपने में ही है. अब बच गए इस पल में, तमन्नाओं से भरी जिंदगी में हम सिर्फ भाग रहे हैं. कुछ रफ्तार धीमी करो, जिंदगी को जियो, खूब जियो. गुलजार साहब ने इस कविता में जो बोला है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें अपनी रफ्तार को बहुत धीमी करना है. जब हम जीना स्लो डाउन करेंगे तो उसी की वजह से क्या होगा कि हम लाइफ को जीना सीखेंगे. पिछले 2-2.5 महीने से तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल स्लो डाउन हो ही चुकी है. हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल स्लो धीरे धीरे ही चल रहा है, बिकॉज अभी तक 2-3 महीने से सब कुछ बंद था, हम लोग घर में ही लॉकडाउन थे. लेकिन इस दौरान हमने सीखा कि अगर लाइफ को जीना है और अगर धीरे धीरे जीना शुरू करेंगे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उस टाइम हम प्रेजेंट में रहते हैं, राइट नाउ में जीवन जीना शुरू करते हैं. तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है हैप्पी रहने का, स्लो डाउन करना है. आप लोगों में से कई लोगों ने अमिताभ बच्चन का वो एक मूवी देखा होगा, मूवी का नाम है अंधा कानून. अंधा कानून का जो शूटिंग हो रहा था वो मद्रास, उस टाइम का अभी का जो चेन्नई है वहाँ पे हो रहा था. मई महीने की अभी जितनी गर्मी है उतनी गर्मी है, गर्मी थी. और अमिताभ बच्चन और उसके साथ अनुपम खेर का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उस मूवी में हुआ था. अब अगर आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन का जो पूरा आउटफिट है, वो आउटफिट में वो ओवरकोट पहनते हैं गर्म, और उसके ऊपर एक गरम शॉल जैसा कवर करते हैं. अब जब शूटिंग मद्रास में हो रहा था मई महीने में, तो प्रोडक्शन की किसी मिस्टेक की वजह से वहाँ पे लाइट चली गई. अब लाइट जाने की वजह से AC सिस्टम सारी बंद हो गई. अनुपम खेर अपने रूम में रेडी हो रहे थे, वो बहुत गुस्सा हो गए कि इतना
अच्छा मूवी का शूटिंग चल रहा है और जरा भी ध्यान नहीं रख रहे हो, इतनी गर्मी में कोई तैयार कैसे होगा, इतनी गर्मी में कोई ऐसे कैसे शूट कर पाएगा। और वो बहुत गुस्सा हुए, फिर भी जैसे तैसे करके वो तैयार होके नीचे आए तो उन्होंने देखा कि एक कोने में अमिताभ बच्चन अपने फुल गेटअप में बैठे बैठे एक बुक पढ़ रहे थे। अनुपम खेर ने जाके उनसे पूछा कि आपको गर्मी नहीं लग रही है? और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने जो एक सेंटेंस बोला वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। उन्होंने क्या बोला कि सोचोगे तो लगेगी। इसका मतलब है कि जब गर्मी है और गर्मी के बारे में सोचेंगे तो और ज़्यादा फील होगी, हम अगर उसके बारे में ना सोच के कुछ और सोचना शुरू करेंगे तो गर्मी कम लग सकती है। तो एक दूसरा इम्पोर्टेंट रूल है और वो है सोचोगे तो लगेगी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ को हैप्पी जीने के लिए ज़रूरी है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब हम बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में जीना शुरू करते हैं, ग्रेटिट्यूड में जीना माने जब हम एटीट्यूड में जीते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड बहुत रहता है हमारी लाइफ में। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सबको आंख बंद करके 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि आप कौन सी 3 चीज़ों के लिए आज बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। और ये सोचने के बाद हम आगे बात करना शुरू करेंगे। 1 मिनट के लिए साइलेंस, और आप सोचेंगे उस दौरान कि आप किस 3 चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल है। नमस्कार, अगर किसी को अपने ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ कमेंट लिखनी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, जसमीत विकास सहजवानी का मैसेज आया हुआ है, माय फैमिली, माय जॉब एंड माय कंट्री। मुझे थोड़ा स्पेसिफिक ग्रेटिट्यूड चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूं, तो सबसे पहला मैं अपने फिजिकल हेल्थ के लिए ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरा हेल्थ अभी इतना अच्छा है कि रेगुलर किसी भी किस्म की मेडिसिन के बगैर मैं अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकता हूँ, जहाँ जाना हो जैसे जाना हो वैसे जा सकता हूँ, और खाना खाने में या कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं है, घूम भी सकते हैं और अच्छे से काम भी कर सकते हैं। तो आई एम ग्रेटफुल अबाउट माई हैप्पीनेस। सो आई एम ग्रेटफुल अबाउट माई हैप्पीनेस एंड माई हेल्थ। सेकेंड, मैं ग्रेटफुल हूँ मेरी वाइफ और मेरा सन जो बहुत सपोर्टिव है। कुछ भी मैं करता हूँ तो उनका 110% सपोर्ट होता है। माई वाइफ इज़ अ फैशन फोटोग्राफर, अ प्रोफेशनल एंड अ होम मेकर, एंड माई सन इज स्टडिंग इन फर्स्ट एम बी बी एस एट प्रेजेंट एट VS मेडिकल कॉलेज, NHL म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज। दे बोथ आर वेरी सपोर्टिव। एंड थर्ड चीज़ अगर मैं बताऊँ अपने ग्रेटफुल के बारे में, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही हैज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन पीपल्स लाइफ। सो दीज आर 3 स्पेसिफिक ग्रेटफुलनेस विच आई ऑलवेज शेयर। एंड आई वॉन्ट, या अंकिता गुरु जी का एक है, उनकी लाइफ के बारे में, अपने आर्ट के बारे में और हेल्थ के बारे में वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। हेता शाह हैज़ गिवन माई सन लाइफ एंड हैप्पीनेस। और मनीषा डोंगरे बोल रही है अपनी लाइफ के लिए, वो सांस ले रही है उसके लिए और अपने फैमिली के लिए ग्रेटफुल है। खेवना केसूर कह रही है कि अलाइव एट मॉर्निंग, माई ऑर्गन्स आर परफेक्ट एंड माई फैमिली इज सेफ। देवांशी शाह कह रही है आई एम ग्रेटफुल टू माई फैमिली, माई हेल्थ और माई क्रिएटिविटी।
अब आप अपने आप ही सोचिए कि जब मैं किसी की ग्रेटफुलनेस के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं भी बहुत खुश फील कर रहा हूँ, और आप जब सोच रहे हैं और लिख रहे हैं तो मुझे ज़रूर लगता होगा कि आप भी अभी काफ़ी खुश और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। सही है ना? तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अपनी लाइफ को स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो सोचोगे तो लगेगी, मानी हमारा जो कुछ भी फीलिंग्स हैं वो हमारी सोच में पड़ा हुआ है। अब ये सोच को कैसे करेक्ट करना है उसके बारे में आज ज़रूर बात करेंगे, बिकॉज़ आज का जो पूरा सेशन है वो मैंने उसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर हम हैप्पी इंडिविजुअल होंगे, अगर हम हैप्पी पर्सन रहेंगे और हैप्पीनेस को शेयर करेंगे तो पेरेंटिंग भी हैप्पी होगा, और उसमें भी हम काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट अपने बच्चों के लाइफ में और अपने खुद के लाइफ में भी कर पाएंगे। सबसे पहले हमें स्लो डाउन करना है, सोचने पे ध्यान देना है, और रोज़ सुबह उठने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट के लिए हम हमारी लाइफ के लिए जिसके लिए ग्रेटफुल है उसके बारे में सोचना है। बीच बीच में भी जब भी टाइम मिले ग्रेटफुल किस चीज़ के बारे में उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। रात को सोने से पहले भी हम ग्रेटफुलनेस के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अशोक भाई शाह भी बोल रहे हैं कि गॉड, डॉटर और प्रोफेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आज जो टॉपिक हम सोचने वाले हैं, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप खुश हो तो बोलेंगे कि हाँ मैं खुश हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि आप हमेशा खुश रहते हो तो क्वेश्चन आएगा कि नहीं, हमेशा खुश तो नहीं रहते हैं। जब मेरा एकेडमी में ये अचीवमेंट हुआ था तब मैं बहुत खुश था, या जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तब मैं बहुत खुश था, या जब मेरी करियर में ये गोल मैंने अचीव किया तो मैं बहुत खुश था, या जब मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आया तो मैं बहुत खुश था, या कभी कभी कोई नई चीज़ मैंने बाई करी उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। तो हम क्या होता है कि इवेंट स्पेसिफिक खुश रहा करते हैं लेकिन हमेशा खुश नहीं रहते हैं। तो मैं ये चीज़ आपको पूछना चाहूँगा कि हमारी हमेशा की खुशी में क्या-क्या चीज़ें जो बीच में आती है, जो बाधा लाती है, अगर आप फटाफट शेयर कर पाए कि ये चीज़ होती है इसलिए हम खुश नहीं रह पाते हैं, ये चीज़ होती है इसलिए हम खुश नहीं रह पाते हैं, तो मैं अगेन आपको एक 30 सेकेंड्स देता हूँ। उस 30 सेकेंड्स में आप खुद सोच लीजिए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे आपकी खुशी छीन लेती हैं। तो आप इसको 30 सेकेंड्स सोच के वापस शेयर करिए। जसमीत सहजवानी लिखती है, व्हेन वी गॉट अ डॉक्टर लाइक यू वी गॉट हैप्पी। या मुझे आप हैप्पी कब होते हो वो नहीं जाना है, जानना है आप हैप्पी कब नहीं होते हो, कौन सी वजह होती है जो आपको अनहैप्पी करती है, ये चीज़ मुझे जाननी है। हाँ, चंद्रिका गोखले ने लिखा है अदर पीपल्स बिहेवियर। दीप्ति शाह लिख रही है कम्युनिकेशन गैप। विंकल लिख रहे हैं एक्सपेक्टेशंस। हिता शाह लिख रही है कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। दिनेश भाई लिख रहे हैं कंपैरिजन। स्वाति खत्री लिख रही है अवर थॉट्स। जिग्ना दवे लिख रही है आर्ग्यूमेंट विद बिलवेड। जसमीत जी वापस लिख रही है व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान्ड एंड नेगेटिव थॉट्स। बिजनेस स्ट्रेस, कुणाल बोरा लिख रहे हैं बिजनेस स्ट्रेस। या वरी स्ट्रेस, यज्ञेश पटेल लिख रहे हैं। देवांशी शाह लिख रही है नेगेटिविटी वरी एंड ईगो। आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। आप समझिए कि लोग, अगर हम उनसे एक तरह का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो अगर उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई सिचुएशन को हमने एक तरह से सोची थी कि ये सिचुएशन ऐसे होनी चाहिए, वो नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। सरकमस्टेंसेस अगर ठीक से नहीं होते हैं,
कभी कंपैरिजन हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल एज वेल एज माय ओन सेल्फ, अगर उस मुताबिक हम काम नहीं करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने ऐसा भी लिखा है कि अगर फैमिली मेंबर हर्ट मी, अगर उनसे हमें हर्ट फील होता है तो भी दुख हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो सारे इमोशंस हैं जैसे एंगर, जेलसी, इंसल्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों की वजह से भी हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। आप लोगों ने बीच में ध्वनित का एक बहुत अच्छा जिंगल सुना होगा, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि हमारे दादाजी का टाइम, हमारे पापा का टाइम और हमारा टाइम कितना डिफरेंट हो गया है। जो ये आपणे शुशु चेंज थयु छे, दादाजी यूज टू ड्राइव अ बाइसिकल, हम स्कूटर चलाते थे और हमारे बच्चे हाई एंड कावासाकी बाइक चलाते हैं, हम लोग कार भी चला सकते हैं। दादाजी ना जब के समय पे तीर्थ यात्रा मानी, हम जहाँ पे भी जाते हैं वो हमेशा वो तीर्थ स्थल होती थी। पापा के ज़माने में हम इंडिया में घूमते थे और हमारे ज़माने में हम पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। उस ज़माने से अभी के ज़माने में अगर हम सोचेंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो गई है, लग्जूरियस हो गई है, फिजिकल कंफर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ ऑन आर फिंगर टिप। फिर भी अगर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ सोचेंगे तो वो बहुत शांति से जिए थे, वो बहुत सुकून से जिए थे। हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी सुकून से जिए थे, लेकिन हम इतने बावरे बावरे होके क्यों घूम रहे हैं, हम इतने स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे मन में करप्शन हो गया है, हमारी जो सोच है वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है। एक सिंपल प्रिंसिपल की आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि अगर हमें हमारी लाइफ में हमेशा खुश रहना है या खुश रह के सक्सेसफुल बनना है तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर लाइफ एंड अवर रिजल्ट। हमारी जीवन की और जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अगर उसका हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो हमारी लाइफ हमेशा बहुत पावरफुल हो जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारी सोच। अगर हमने अपनी सोच के ऊपर काबू पा लिया तो सब कुछ सही हो सकता है। बिकॉज़ एक सोच ही चीज़ ऐसी है कि सोचने से हमारी फीलिंग्स डेवलप होती है, जो हमारी ऑनगोइंग फीलिंग्स होता है वो हमारी हैबिट बनती है, बिहेवियर के बाद हैबिट होती है और जब हैबिट बनती है तो वो हम ऑनगोइंग करते हैं, वो एटीट्यूड डेवलप होता है और वो एटीट्यूड हमारी डेस्टिनी बनती है। अगर हम अपने सोच के ऊपर काबू ले लेते हैं तो हमारी सोच इतनी पावरफुल हो जाती है कि हमें कभी कोई दुखी नहीं कर पाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम जब भी अनहैप्पी होते हैं तो आप सोचोगे कि अगर किसी ने कुछ बिहेवियर किया तो वो बिहेवियर हमारे से बाहर है, वो बिहेवियर करने के बाद हम क्या सोचते हैं उसके मुताबिक हमारी फीलिंग्स डेवलप होती हैं और उसके मुताबिक फिर हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप होते हैं। तो हमें हमारी सोच के ऊपर सबसे ज़्यादा काबू करने की ज़रूरत है। जब हम इसके ऊपर काबू कर लेंगे तो हम बहुत अच्छे से जी पाएंगे। अब हमारी सोच डेवलप कैसे होती है तो सोच के ऊपर तीन चीज़ें काम करती है। सबसे पहली चीज़ है हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं। जो मान्यता हम जब जन्म से जब भी अंडरस्टैंड करना शुरू किए, लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किए, तब से एक किस्म की मान्यता डेवलप हुई है। और जब ये मान्यता हमें कभी कभी हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरी चीज़ है हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस। पास्ट में हमें कोई एक्स वाई जेड एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से हम आज एक तरीके से सोचना शुरू करते हैं। और तीसरी चीज़ डे टू डे लाइफ में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन पे हम ध्यान नहीं देंगे तो वो भी हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हमारी एक मान्यता है कि जब हम बड़ों से बात करते हैं तो हमें बहुत आदरपूर्वक बात करनी है। अगर वो मान्यता मेरे दिल में बहुत स्ट्रांग है और जब कोई छोटा मेरे से अच्छे से आदर से बात नहीं करता है
तो वो मेरी मान्यता तुरंत बाहर आ जाती है। ऐसा कैसे, ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मेरे से, ये तो इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, इसने मेरे मुझे हर्ट कर दिया। अगर इस मान्यता से अगर हम बाहर आएंगे और ये सोचेंगे कि इस समय ये जो मेरे से बात कर रहा है वो अच्छे मूड में नहीं है, उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, और उसने बोलना बंद किया, फिर मैंने जो अपने आप से बात करी उसी से मेरी फीलिंग्स डेवलप होती है। अगर मैं उस बंदे के साथ कंपैशनेट हो जाता हूँ कि ये अभी मूड ठीक मूड नहीं है, कुछ हुआ होगा उसके साथ उसकी लाइफ में जिसकी वजह से ये मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहा, या मैंने उसके साथ ठीक से कभी बात अभी रिसेंटली नहीं करी उसकी वजह से वो रिएक्ट कर रहा है, तो इमीडिएटली मैं काम डाउन हो सकता हूँ, मेरी सोच चेंज हो सकती है, मैं उसकी जगह पे जाके बात करके उसके साथ समझ के साथ शांति से उसको डील कर सकता हूँ। तो वो मान्यता अगर मैं अपनी चेंज करता हूँ तो वो मेरी सोच पे इन्फ्लुएंस करती है और वो मेरे इंटर्न बिहेवियर पे भी इन्फ्लुएंस करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस। जैसे कोई पास्ट का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि पार्टनरशिप तो ठीक चलेगी ही नहीं, पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें धोखा मिलना बहुत नॉर्मल है, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर आज के बाद कभी भी कोई मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए आएगा, मैं उसी पास्ट एक्सपीरियंस से सोचूंगा और कभी पार्टनरशिप करके अपने आप को आगे नहीं ले पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें को हमें तुरंत रोज़ के रोज़ सोचते रहना है। और तीसरी चीज़ है इन्फॉर्मेशन। अगर हम कंटिन्यूसली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे कि आज कोरोना के इतने केस हो गए और आज इतनी डेथ हो गई, या आज तो मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में भी एक केस आ गया, या पूरे दुनिया में ये क्या चल रहा है और ये तो लाइफ ठीक नहीं है, ये लॉकडाउन में कैसी ज़िंदगी है, मुझे तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं रोज़ ज़्यादा लेता रहूँगा, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़ चैनल्स, तो वो सारी चीज़ें मेरे सोच को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो ये तीन चीज़ों पे अगर मैं ध्यान देता हूँ और मेरे बिलीफ सिस्टम, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर वर्क करके अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लेने की सोचूं कि इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें से मैं क्या लेके आगे जा सकता हूँ, तो वो हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करेगी। अगर वो मेरी सोच को इन्फ्लुएंस करेगी तो वो मेरे फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करेंगी, और उस सिचुएशन में मेरे बाहर कोई भी चीज़ मुझे कभी भी दुख नहीं दे पाएगी, कभी भी कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी सारे इमोशंस हैं वो मेरे खुद की लैंग्वेज में मैं क्रिएट करता हूँ, वो बाहर से कोई मेरे अंदर आके उसको क्रिएट नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी कोई आपके साथ बदसलूकी करे, आपको इंसल्ट करे, ऐसा फील हो, तो अपने आप को पॉज दे, सोचे कि इसको मैं और किस तरीके से ले सकता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से उस समय भी अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ। किसी ने इसीलिए सही कहा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, व्हेन वी कट अवे ऑल द जंक एवरी सिचुएशन इज अ चॉइस। सो जब भी हम बहुत सारा जंक को लेके घूमते रहते हैं, 10 साल पहले किसी ने हर्ट किया है वो आज भी साथ में लेके घूमते हैं, और जब भी उसके बारे में सोच आती है दुख फील होना शुरू हो जाता है, आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू हो जाता है, बट ये सारी चीज़ें जंक है। जो चीज़ पास्ट में हुई है उसको या तो वो या मैं बदल नहीं पाऊंगा, मुझे उसको देखने का नज़रिया बदलना है। पास्ट एक्सपीरियंस, मेरी बिलीफ और अभी का इन्फॉर्मेशन को मैं चेंज करके वो नज़रिया चेंज कर सकता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता हूँ, और उसकी वजह से मैं उसमें भी खुश रह सकता हूँ। किसी भी सिचुएशन में आप आए हो तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है वो भी आपके ऊपर निर्भर होता है। लोग आपके मूड को अच्छे से इफ़ेक्ट कर पाएंगे या बुरे से इफ़ेक्ट कर पाएंगे वो भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली रहता है, तो आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हो। हम हमारे पास्ट को बदल नहीं सकते हैं, लोग या सर्कमस्टेंसेस कैसे होंगे उसके ऊपर हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोई कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज जो हो रहा है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमारे पास एक ही चॉइस है और वो है कुछ भी बाहर हो रहा है उसको मुझे कैसे देखना है, उसको मुझे कैसे सोचना है,
उसमें मेरा एटीट्यूड कैसा रहेगा अगर मैं इसके ऊपर ध्यान देता हूँ। जैसे एक फिल्म का शूटिंग हो रहा है, हमारी लाइफ भी एक ड्रामा ही है, हम लोग भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एक फिल्म का शूटिंग हो रहा है, उसमें दो कैरेक्टर एक साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करें, ऐसा कुछ सीन है। अब उसमें एक कैरेक्टर ने बोलने में थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन अगर जो मेन कैरेक्टर है वो अपना रोल ठीक से करता रहेगा, तो धीरे धीरे दूसरा वाला जो कैरेक्टर है वो भी अपने रोल पे आ जाएगा। अगर वो दूसरा वाला कैरेक्टर जो है वो उसकी गलतियाँ निकालना शुरू करेगा, उसके साइड फाइट करना शुरू करेगा और अपने रोल से निकल जाएगा, तो वो 110% वो सीन ठीक से शूट नहीं हो पाएगा। अब जो मूवी का सीन शूट होता है उसमें तो रीटेक के चांसेस होते हैं, कितने भी रीटेक कर लो चलेगा। लाइफ में ऐसा नहीं होता है, कई बार हम रीटेक नहीं कर पाते हैं। सो हमें हमेशा अपने खुद के जो इमोशंस हैं उसको अपने थॉट से कंट्रोल करके किसी भी सिचुएशन में अपने एटीट्यूड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए किसी ने कही सही कहा है, अ पर्सन हु इज़ अ मास्टर इन द आर्ट ऑफ लिविंग मेक्स लिटल डिस्टिंक्शन बिटवीन देयर वर्क एंड देयर प्ले। अगर हम सोचेंगे कि हम वैकेशन पे जा रहे हैं, लेकिन वैकेशन पे जाके भी वहाँ पे जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके बारे में कंप्लेन ही करते रहेंगे, नाखुशी ही व्यक्त करते रहेंगे, तो वो वैकेशन में भी मज़ा नहीं आएगा। और अगर हम वर्क कर रहे हैं लेकिन उस वर्क को एन्जॉय कर रहे हैं, तो हमें वो वर्क भी वैकेशन जैसा लगेगा। सो इट इज़ ऑलवेज इन माई थाट्स, इट इज़ इन माई लैंग्वेज। इफ़ वी कंट्रोल दैट थाट्स, द इमोशंस आर इन आर कंट्रोल एंड वी कैन बी हैप्पी ऑलवेज। सो हम हमेशा एंगर की जगह पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन की जगह कॉपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्ट होने की जगह सामने वाली व्यक्ति की और कंपैशन की तरह दे सकते हैं, किसी की तरफ जेलस फील करने की जगह उसको हम केयर देके उसका ध्यान रख के उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। एंग्शियस होने की जगह हम एम्पथी क्रिएट कर सकते हैं, किसी की और हेट्रेड क्रिएट करने की बजाय लव क्रिएट कर सकते हैं। इंसल्ट फील होने की जगह हम अपने आप उस चीज़ को अलग तरीके से सोच के रिस्पेक्ट फील भी कर सकते हैं और रिस्पेक्ट दे भी सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में फियर का इमोशंस क्रिएट करने की जगह हम ट्रस्ट का इमोशन भी क्रिएट कर सकते हैं, और अपसेट या सैड होने की जगह हमेशा हैप्पी रहने का भी इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑलवेज हैप्पी रहना पॉसिबल है अगर हम अपने सोच के ऊपर ध्यान देते हैं। हम जब छोटे थे तब हमें बोला करते थे कि सोच के बोलिए, लेकिन अब एक स्टेप आगे जाना है कि सोच के सोचना है। जब हम सोच के सोचना शुरू करेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे, उस चीज़ों के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। कभी भी कोई स्टिमुलस आता है, कभी भी कोई आपसे गलत तरीके से बात करता है, तो उस टाइम पॉज करिए, एक मिनट के लिए सोचिए कि ये मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो अच्छे मूड में नहीं है, या मैंने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से वो मेरे से ठीक से बात कर नहीं सकते। दोनों में मेरे पास पावर है कि मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल करूं। शांत होके भी हैंडल कर सकते हैं, प्यार से भी हैंडल कर सकते हैं, आसानी से उसमें से बाहर निकल सकते हैं। अगर उस टाइम वो गुस्से में है, वो ज़ोर से बोल रहे हैं, अगर मैं भी ज़ोर से बोलना शुरू करूँगा तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी, वो और ज़्यादा एंटेंगल हो जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी रिएक्ट, रादर देन रिएक्टिंग रिस्पॉन्स इज ऑलवेज वेरी 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 गुड। और एक चीज़ समझिए कि जब भी मन में ऐसा फील हो रहा है कि ठीक नहीं लग रहा है, दुखी फील हो रहे हैं, सैड फील हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, उस टाइम अपने मन को एक कमांड दीजिए, स्टॉप। मानी अपना मन अपना कहना मानता है, उसको बंद कर देना है सोचना उस टाइम पर। फिर अपने पे ऑब्जर्व करना है कि क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, और फिर उस थॉट प्रोसेस को स्विच करना है। इसको शॉर्ट में SOS बोलते हैं, स्टॉप ऑब्जर्व एंड स्विच। जब भी हम ऐसे स्विच करेंगे हम नई अच्छी सोच तुरंत क्रिएट कर सकते हैं,
और इमीडिएटली हमारा मूड ठीक होना शुरू हो जाएगा और तुरंत हम अच्छे से अपने आप से और दूसरे से बात करेंगे। जो चीज़ हमें दूसरे से चाहिए अगर वो हम देना शुरू करेंगे ना, तो वो दो बार हमें मिलेगी। जैसे मुझे किसी से शांति चाहिए तो मुझे पहले शांति देनी पड़ेगी। जब मैं शांति दूंगा तब देते समय भी मुझे आनंद और अच्छा है महसूस होगा, और जब वो वापस देंगे या कहीं और से वो वापस आएगा तो भी मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। तो शांति है, रिस्पेक्ट है, लव है, केयर है, कंसर्न है, कंपैशन है, सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, ये सब चीज़ें जब ज़्यादा देना शुरू करेंगे तो देते समय भी आनंद मिलेगा और जब वो वापस आएगा तब तो आनंद मिलने ही वाला है। अगर उसका ऑपोजिट करेंगे, जैसे मैंने गुस्सा किया, जैसे कोई बॉस है जिसको हमेशा कोई किसी भी बात पे गुस्सा आ ही जाता है, शुरुआत में उसके एम्प्लॉयज उससे थोड़ा डरना शुरू करेंगे, बट जैसे उनको पता चलेगा कि ये तो इनका रिपीटेड बिहेवियर है, तो जब भी वो गुस्सा करेंगे वो शान से उनको सुन लेंगे, अंदर अंदर हंसते रहेंगे कि लो शुरू हो गया अब, और जब बाहर जाएंगे कॉफ़ी पियेंगे तो ये बात पर हंसेंगे ही। लेकिन बॉस जब गुस्सा करेगा तो वो अपने गुस्से से बच नहीं पाएंगे, बिकॉज उससे गुस्सा करने के लिए मुझे लाउडली बोलना पड़ेगा, अपनी हार्ट रेट बढ़ेगा, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और मेरी सांसें भी बढ़ सकती है, मुझे जोर से बोलना पड़ता है। तो गुस्सा करने वाला अपने गुस्से से बच नहीं सकता है, जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं वो शायद उससे बच पाएगा। तो गुस्सा करने से गुस्सा करने वाले का ज़्यादा नुकसान है, गुस्सा जिनके ऊपर कर रहे हैं उनका उतना गुस्सा नहीं है। तो हमें हमेशा जो कुछ चीज़ चाहिए उसको देना शुरू करना है, और जब हम देना शुरू करेंगे तो वो और ज़्यादा मिलना शुरू होगा। तो आज मैंने ये एवरलास्टिंग हैप्पीनेस के बारे में आपसे बात करी। अब वापस हम 1 मिनट के लिए पॉज लेंगे। आज आपने ये पिछले 20-25 मिनट में जो सुना उसमें आपको कुछ क्वेश्चन आए होंगे कि ऐसे सिचुएशन में कैसे शांत रह पाए या ऐसे सिचुएशन में कैसे हैप्पी रह पाए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप बेझिझक इसमें आप लिखिए, हम उस क्वेश्चंस को लेके आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोगों ने जो चीज़ें लिखी है कि जो चीज़ आपको दुखी करती है उसी में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे हमें हैप्पी रहने में क्या-क्या चीज़ें बीच में आती है, जैसे लोगों से हमारे एक्सपेक्टेशंस, कभी कोई सिचुएशंस ठीक नहीं है, सरकमस्टेंसेस जैसे हमने सोचा वो ठीक नहीं है, कभी हम कंपटीशन में चले जाते हैं, कभी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और उसी में से हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं और वो इमोशंस हमारी हैप्पीनेस को ले लेते हैं। यहाँ पे देवांशी का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल अवर थॉट्स। सबसे पहले मैंने जो चीज़ बताई वो स्लो डाउन, और दूसरी 3 चीज़ें हमारी बिलीफ सिस्टम, पास्ट के एक्सपीरियंस जिसके ऊपर हमें ज़रूर वर्क करना है, और अभी हम जो इन्फॉर्मेशन डेली ले रहे हैं वो डेली इन्फॉर्मेशन हमारी थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर उस इन्फॉर्मेशन को हम अगर चेंज करेंगे तो 110% वो थॉट प्रोसेस को हम कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ है वो झुकना है। इन्होंने लिखा है कि हमारे थॉट्स हमारे ईगो को ज़्यादा बिल्डअप करते हैं। जितना ज़्यादा ईगो होगा उतना दुख ज़्यादा रहेगा, उतना हर्ट ज़्यादा होगा, उतना इंसल्ट ज़्यादा होगा। जितना झुकना सीखेंगे उतना
हैप्पीनेस ज्यादा रहेगा, पीस ज्यादा रहेगा। नीलम पंड्या लिख रहे हैं, इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर हाउसवाइव्स इन करंट सिचुएशन हाउ टू बी काम एंड हैप्पी। व्हाट आर द सिचुएशंस व्हिच क्रिएट्स अनहैप्पीनेस एंड केओस इन द हाउस? आर यू क्रिएटिंग और द पीपल अराउंड यू इज क्रिएटिंग? Mostly it is the children around us or the situation around us creates that unhappiness or chaotic situation around that. But एक चीज समझिए, जो कुछ भी हो रहा है वो आपसे बाहर हो रहा है। अगर उस सिचुएशन को आप ऐसा सोचेंगे कि मैं उस सिचुएशन की वजह से दुखी हो रही हूँ, या उस सिचुएशन की वजह से इरिटेट हो रही हूँ, या उस सिचुएशन की वजह से अनहैप्पी हूँ, तो आपके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप उस सिचुएशन के गुलाम है या उस सिचुएशन के विक्टिम हो गए हैं। आप अपने मास्टर या अपने एटीट्यूड के किंग नहीं हैं। बाहर कुछ भी हो रहा है वो आपके अंदर नई सोच क्रिएट नहीं कर सकता है, वो सोच मैं ही क्रिएट करता हूँ। अगर इतना मेरे समझ में आ जाएगा कि मेरी सोच मैं क्रिएट करता हूँ और जो मेरी सोच में आता है वो ही मेरे इमोशंस को क्रिएट करते हैं। जैसे 3 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है और वो ज़िद करने की वजह से मैं गुस्सा होके उसको शाउट करता हूँ या करती हूँ, तो हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये बोलते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया। अगर ऐसा करेगा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। उसका मतलब है कि मेरे सोच का और मेरे इमोशंस का मेरे पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो कोई और मेरा कंट्रोल कर रहा है। जब ये चीज़ सोचने में आएगी कि मैं अपने सोच का या इमोशंस का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों को लेकर घूमता हूँ, तो पता चलेगा कि ये गुलामी की ज़िंदगी है, ये विक्टिम की ज़िंदगी है। अगर मेरे सोच पे, मेरे इमोशंस पर मेरा कंट्रोल रहेगा, वो कब रहेगा? जब मैं सोचूंगा कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो मैं क्रिएट करता हूँ, वो कोई और क्रिएट नहीं करता है, तो धीरे धीरे करके हम उस पर काबू करना शुरू करेंगे। ये प्रैक्टिस की रीज़न है। सचिन तेंदुलकर ने जब पहली दफ़े बैट पकड़ा था तो वो पहले से सचिन तेंदुलकर नहीं थे, वो रेगुलर प्रैक्टिस करते 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 वो लेजेंड हुए, द गॉड ऑफ क्रिकेट। ऐसे इस चीज़ को अगर हम रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि मेरी सोच मैं क्रिएट करता हूँ, मेरे फीलिंग्स मैं क्रिएट करता हूँ, मेरा एटीट्यूड मैं क्रिएट करता हूँ, उसका बाहर के कोई भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस के साथ कोई संबंध नहीं है, वो संबंध मैंने बनाया है। अगर मैं वो दो चीज़ सेपरेट कर लूँगा, जैसे एक हाथ में सिचुएशन है और एक हाथ में मेरे मन की स्थिति है, ये दो चीज़ अलग है, लेकिन हम जोड़ के घूमते हैं कि बाहर ऐसी परिस्थिति है तो मन की स्थिति तो ऐसी होंगी ना। जब उसको सेपरेट करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, मेरे मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है। जब ये पता चलेगा, आप एवरी सिचुएशन में SOS का इस्तेमाल कर पाओगे। स्टॉप, ऑब्जर्व कि दिमाग में क्या चल रहा है, एंड स्विच। When you start practicing it very regularly, कभी कभी क्या होता है, कोई एक stimulus आया, मैंने react कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये reaction की जगह मैं और कुछ कर सकता हूँ, तो मैं उसको वापस सोच के उसमें नए तरीके से मैं कैसे react या respond करूँगा वो create करता हूँ। धीरे धीरे क्या होता है कि कोई event होती है, मैं react करता हूँ, लेकिन करने से पहले रुक जाता हूँ कि ये मेरा रिएक्शन है, मुझे रुकना है, और धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि कितना भी स्टिमुलस हो रिएक्शन नहीं आएगा, आप पॉज करके अच्छा सा ही रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड देन ग्रेजुअली योर पीस, हैप्पीनेस, लव, कंपैशन, एवरीथिंग विल स्टार्ट्स गेटिंग मोर एंड मोर, एंड योर नेगेटिव इमोशंस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। सो इट इज़ द रिमेनिंग अवेयर। अगर मेरे हाथ में एक पानी का ग्लास है और वो पानी का ग्लास लेके मुझे पूरे घर में घूमना है, लेकिन वो पानी का ग्लास में से पानी ना गिरे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
उस पानी के ग्लास पे ध्यान रख के फिर पूरे घर में घूमना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा जो मन है वो ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके उसके ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें अपने जगह पे आने लगेगी। काम बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा, रिलेशनशिप्स बहुत मस्त हो जाएंगे। आप एक चीज सोचिए, हमारी सोच कहाँ कहाँ असर करती है। सबसे पहले मेरी सोच मेरी फीलिंग्स के ऊपर असर करती है, बिकॉज मेरी सोच से ही मेरी फीलिंग्स क्रिएट होती है। दूसरा, मेरी सोच मेरी हेल्थ के ऊपर पर भी असर करती है। अगर मैं कंटिन्यूअस नेगेटिव सोचता रहूँगा तो वो सोच पूरे बॉडी पे वाइब्रेट करती है और वो मेरी हेल्थ को भी बिगाड़ती है। अगर मैं सोचूंगा मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा ना, मुझे ये बीमारी तो नहीं लग जाएगी ना, मेरे रिलेटिव्स को ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी ना, मैं कंटिन्यूअस अगर सोचता रहता हूँ तो मैं उसी को अट्रैक्ट करता हूँ। अगर मैं उस चीज़ को सोचे बगैर, मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है, मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जो भी पेशेंट हैं, वो सारे बिल्कुल हेल्दी है, अगर ये सोच मैं क्रिएट करूँगा तो वो हेल्थ के वाइब्रेशंस मेरे बॉडी पे शुरू होंगे और वो उस पर भी असर करेगा। तीसरा, मेरी सोच मेरे रिलेशनशिप्स पर भी असर करती है। अगर किसी इंसान के साथ मेरा पास्ट में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है और मैं उनसे जब भी मिलने जाऊंगा, अगर वो मैं पास्ट लेके उनके साथ मिलूंगा तो वो मेरे एटीट्यूड में आएगा, वो मेरे बिहेवियर में आएगा, वो मेरे बॉडी लैंग्वेज में आएगा, वो मेरे वर्ड्स में आएगा, तो वो उस रिलेशनशिप को ठीक नहीं करेगा। लेकिन उस रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं मेरे दिमाग में अच्छा सोचना शुरू कर दूंगा तो जब भी मैं उनसे मिलूंगा मेरा एटीट्यूड, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज एंड वर्ड्स डिफरेंट होंगे। तो मेरी सोच जो है वो मेरे फीलिंग्स पर असर करती है, वो मेरे बॉडी के हेल्थ के ऊपर असर करती है, वो मेरे रिलेशनशिप्स पर असर करती है और वो इन टर्न ये पूरे यूनिवर्स के ऊपर, नेचर के ऊपर भी असर करती है। तो आप सोचिए, जो कुछ आप सोच रहे हैं या मैं सोच रहा हूँ उसकी असर इतनी जगह पे हो रही है, तो हमें अपनी सोच को सोच के नहीं सोचना चाहिए। जो हम ये सोच के सोचना शुरू करेंगे देन थिंग्स विल बी रियली रियली वेरी गुड। खेवना केसुर ने क्वेश्चन किया हुआ है कि व्हेन यू आर ऑनेस्ट स्टिल समवन टॉन्टिंग यू विदाउट योर फॉल्ट, हाउ टू बी काम। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। जैसे हमारे साथ नेहा गुरमानी करके जो पेरेंटिंग फॉर पीस की एक बहुत अग्र कार्यकर है, वो भी जुड़ी हुई है, जिनके थ्रू ही ये प्रोग्राम का प्लानिंग हुआ है। नेहा जी पिछले आप उनको मैं पिछले 4 साल से अच्छे से पहचानता हूँ, लेकिन मैं जब उनसे मिलूं और उनको बोलूं कि नेहा जी आपके जितना बकवास प्लानिंग या प्लानर कोई नहीं है, मैंने पिछले काफ़ी सालों से ऐसे प्रोग्राम किए हैं लेकिन इतना बकवास प्लानिंग किसी ने नहीं किया है, तो इमीडिएटली जो लोग सुन रहे होंगे उनको ऐसा लगेगा कि मैंने नेहा जी का इंसल्ट कर दिया। सही है कि नहीं है कि ऐसा सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आपका प्लानिंग ठीक नहीं है। अगर बोलना हो तो आप 1-to-1 बोलिए, इतना सबके सामने बोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप सोचिए, मैंने जो बोला वो नेहा जी के इमोशंस क्रिएट करेगा, या मैं जब बोलना बंद करूंगा, जब नेहा जी अपने साथ उसके बाद बात करना शुरू करेंगे वो उनके इमोशंस को क्रिएट करेंगे। इसमें एक ओनली ऑप्शन नहीं है कि वो डिप्रेस या हर्ट ही फील करेंगे। अगर उनको लगा कि सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं सबके सामने, मेरा इंसल्ट हो गया, तो वो हर्ट फील करेंगे। वो ऐसा सोचेंगे कि सर को तो आदत है ऐसा बोलते रहते हैं, मैं तो काफ़ी 4 साल से उनके जानती हूँ, तो उनके ईगो को या उनके जो कॉन्फिडेंस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अगर ऐसा सोचेगी कि सर मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इतने सारे लोग हैं उसमें मैं ही एक हूँ जो ये चीज़ ले सकती है, इसलिए सर ने मुझे सिलेक्ट करके मेरे पे ये बात करी, तो वो सोच से उनका इमीडिएटली जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान आपका इंसल्ट नहीं कर सकता है, आपको टॉन्ट नहीं मार सकता है, जब तक आप उसको टॉन्ट की तरह से लेना शुरू नहीं करेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ,
कि मेरी वाइफ जब भी उसकी फ्रेंड के साथ फोन पर बात करती है तो कभी कभी वो लोग एक दूसरे से हाय गद्दी कैसी है ऐसे करके बात करना शुरू करते हैं। अब वो गद्दी में उनको एक दूसरे की तरह तरफ प्रेम दिखाई देता है, लेकिन वही चीज अगर क्रॉस रोड पे किसी ने बोल दिया तो वो हमें इंसल्ट फील होता है। इसका मतलब है कि सामने वाला जो बोलता है उससे मेरे फीलिंग्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो बोलना बंद करता है उसके बाद मैं जो अपने आप से बात करता हूँ वो ही मेरा फीलिंग्स क्रिएट करता है। तो इस तरीके से यू हैव 3 ऑप्शंस, किसी ने टॉन्ट लगाया। और एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला और वो चीज मुझे बुरी लगी, इसका मतलब है कि उस चीज के बारे में मुझे पहले से डाउट है, तो उनका शुक्रिया करो और उस चीज के ऊपर वर्क करना शुरू करो। जैसे मेरा लड़का मुझे आके बोलता है कि पापा यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, आप अच्छे पेरेंट हो ही नहीं, आपने मेरा ध्यान ही नहीं रखा है। मुझे पता है अगर मैंने उसका अच्छे से ध्यान रखा है, उसकी परवरिश ठीक से करी है, उसको संस्कार ठीक से दिया हुआ है, उसकी पढ़ाई अच्छी करी है, तो वो कितनी भी बार बोले मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मुझे वो चीज़ बुरी लगी, इसका मतलब है कि मुझे डाउट है कि मैं कहीं गलत था एज अ पेरेंट, तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट एरिया रदर देन गेटिंग एंग्री टू दैट पर्सन, मुझे उस चीज़ पर काम करना है। इसलिए आपको अगर कोई चीज़ टॉन्ट लगती है और आप बिल्कुल पावरफुल और सही हो, उसको नज़रअंदाज करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो आपको बुरी लगती है, वो आपको पिंच करती है, उसका मतलब है कि उस चीज़ के बारे में आपको भी डाउट है, तो आपको इस एरिया पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई आपको कुछ बोले उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बोलना बंद करे उसके बाद आप अपने आप से जो बात करते हो वो आपको आपका फीलिंग्स देता है, वो आपको आपका इमोशंस देता है। तो वो आप क्या बात करते हो अपने आप से, उसके बारे में अपने आप को जागरूक रखना बहुत ज़रूरी है, अवेयर रखना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई दोस्त हो या ना हो, आप खुद अपने दोस्त होने चाहिए। आप अपने दोस्त हो जाएंगे, आप अपने आप से बहुत अच्छा बात करेंगे। अगर आपका फ्रेंड दुखी है तो आप उससे जाके बात नहीं करेंगे, अरे क्यों दुखी है, ऐसा क्या हो गया, चलना ठीक है, चलने दो ना, ऐसे करके आप उसको उस दुखी से बाहर निकालेंगे। लेकिन आप अपने आप से उस तरीके से क्यों बात नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैंने किसी को ठीक किया तो कोई आएगा मुझे ठीक करने के लिए, तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। इमोशनल डिपेंडेंस इज द वर्स्ट थिंग। सो इमोशनल इंडिपेंडेंट और उसमें से फ्री होके अपने आप को मास्टर बनाना है, अपने आप को किंग बनाना है और उसी से जाके आगे रहना है। श्वेता जीवानी लिखती है, मेरे सन जब भी बोलती हूँ कि बेटा मेरे साथ खेलो तो वो मना कर देता है और बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है और मुझे गुस्सा आता है, तो मैं क्या करूं। बेटे को क्या खेलना पसंद है वो जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट 2 सेशन में काफी सारी बात करने वाले हैं, ये पेरेंटिंग में आ जाएगा। ये जो मुझे गुस्सा आता है ना, ये आपने बिल्कुल सही बोला है, वो मुझे गुस्सा नहीं दिलाता है, मुझे गुस्सा आता है। जब मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा ना करूं, ये भी मेरे हाथ में ही है ना, तो ये चीज बहुत अच्छी है। बट एट द सेम टाइम हर्ट होते हैं व्हेन किड्स डू सो। सी, हर्ट होना भी किड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बच्चे जो करते हैं वो बच्चे करते हैं, है ना। अगर आपके बहुत क्लोज रिश्तेदार में कोई ऐसा है जो आपसे कभी ठीक से बात नहीं करता है, वो आपको हमेशा गली वो सुनाता ही रहता है या आपको हमेशा डाउन करता रहता है, अगर वो कंटिन्यूअसली ऐसा करता रहता है और आप उसी के इमोशंस में एंटेंगल होके उनके साथ ऐसे ही बात करना शुरू करोगे, तो आप अपना इमोशंस को और ज़्यादा डाउन कर दोगे, आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और ज़्यादा डाउन कर दोगे। जब भी वो ऐसा बोलना शुरू करे, आप उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय आपको वो कैसे चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू करो। जैसे कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, जैसे कि वो बहुत पीसफुल है, जैसे कि वो बहुत हैप्पी है, जैसे कि वो बहुत कैरिंग है, वो आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे ना, तो उनकी तरफ अपना नज़रिया तो एक चेंज होगा,
आपका एटीट्यूड चेंज होगा और आप अंदर से पीसफुल रहेंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी ऑलवेज, बिकॉज वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो बाहर किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाउ टू कंट्रोल अवर इमोशंस, सेम थिंग्स। अगर हम अपनी सोच के ऊपर सोचना शुरू करेंगे और अपनी सोच को ध्यान से रखेंगे तो इमोशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में हो जाएगा और उसी के ऊपर हमें कंटिन्यूअसली काम करते रहना है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास 5 मिनट का, जिस दौरान हम इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हम लेंगे। बुधवार का जो सेशन है 8 से 9 के बीच में, उसमें हम स्पेसिफिकली पेरेंटिंग ऑफ द किड्स फ्रॉम बर्थ टू 10 ईयर्स के बीच में बात करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि सारे पेरेंट्स उसमें ज्वाइन करें, क्योंकि आपने अगर कुछ सुना है, आपने कुछ सीखा है, तो आप किसी और को इसके बारे में बता पाएंगे। और जो फ्राइडे वाला सेशन है उसमें हम ज़्यादातर टीन पेरेंटिंग के ऊपर, मानी आपके बच्चे 11 साल से 18 साल के बीच में है, उसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। तो उसके ऊपर भी अगर आप आज के सेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन है, जब मनन मेहता ने लिखा है, जब बच्चे बहुत मस्ती करते हो तो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, जब बच्चा मिसबिहेव करता है तब पेरेंट का बिहेवियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चा मिसबिहेव करे और हम भी गुस्सा कर दें तो हम भी मिसबिहेव कर रहे हैं। तो बच्चे हमसे सीखते हैं कि गुस्सा करने से काम होता है, तो वो भी आगे जाके गुस्सा करके ही हमसे काम करवाएंगे या लोगों से काम करवाएंगे। पेरेंटिंग फॉर पीस जो है, वो पेरेंटिंग फॉर पीस इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली, कि बच्चों को प्यार से, बहुत आनंद से, उसके साथ खेल खेला के कैसे बड़ा करना है, जिसकी वजह से वो भी अपनी लाइफ में आगे जाके उसी तरीके से पीसफुली काम करना सीखे। नहीं तो अभी जो माहौल है, उस माहौल में अगर बच्चे इमोशनली स्ट्रांग नहीं हुए तो वो आगे जाके अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चे जब मस्ती करें तो हमें अपने आप के गुस्से के ऊपर कंट्रोल करके उसको अच्छे से हैंडल करना है। तो जैसे हमने गुलजार साहब की कविता से इस सेशन को शुरू किया था, उन्हीं की एक कविता है जो ईगो के ऊपर काफ़ी अच्छे से बात करती है, उस कविता से हम आज का जो सेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो, यूं तो बहुत परेशानियां है तुमको भी मुझको भी, मगर कुछ फैसले वक्त पे डाल दिया करो। न जाने कल कोई हंसाने वाला मिले न मिले, इसलिए आज ही हसरत निकाल लिया करो। समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। किसी के साथ हंसते हंसते उतने ही हक से रूठना भी आना चाहिए। अपनों की आँख का पानी धीरे से पोंछना आना चाहिए। रिश्तेदारी और दोस्ती में कैसा मान कैसा अपमान, बस अपनों के दिल में रहना आना चाहिए। तो इसी के साथ आज का एक लाइव सेशन जो है वो एंड करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन आप अभी भी इसमें डाल सकते हैं। हम वापस मिलेंगे वेडनेसडे, बुधवार को शाम को 8 बजे, और उसमें हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे, और मेनली जो पेरेंटिंग होगा वो पेरेंटिंग फ्रॉम बर्थ टू अप टू 10 ईयर्स। थैंक यू सो मच, नमस्ते।